में 73 ऑपरेशन, अस्पताल बना दिया कूचड़खाना, पीएम की काशी में हुई हैवानियत, जमीन पर तड़पती रही इंसानियत। जी हाँ, जमीन पर तड़पती रही इंसानियत। न पिछली घटनाओं से कोई सबक, न नियम और न मानकों की कोई चिंता, बल्कि तमाम घटनाओं को दरकिनार करते हुए पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में पनाह मांग गई स्वास्थ्य सेवाएं, जहां खुल गई सरकार के दावे और वादों की सारी पोल, यानी पीएम की काशी में हुई हैवानियत। चार घंटे में 73 ऑपरेशन, अस्पताल बना दिया कूचड़खाना, पीएम की काशी में हुई हैवानियत, जमीन पर तड़पती रही इंसानियत। जी हाँ, दरअसल बनारस के चिराई गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर यादव ने मात्र 4 घंटे में कर दिए 73 नसबंदी ऑपरेशन, इंसानियत को तार तार करते हुए और सबको खुले आसमान के नीचे फर्श पर लिटा दिया। क्या गजब खेल चल रहा है इंसानी जिंदगी से खेलने का, इंसानियत से खेलने का, ईमान से खेलने का। पैसों की परछाई में पेशे से खेलने का, ऐसा लगता है जैसे सरकारें भी खिलौना बन गई इस खेल में। तरक्की के इस दौर में बूचड़ खाने में तब्दील हो गए हैं उत्तर प्रदेश के अस्पताल, और इस सत्य का सबूत है बनारस के चिराई गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। यहां पहले तो 4 घंटे में कर दिए 73 ऑपरेशन, फिर खुले आसमान के नीचे पड़ी तड़पती रही इंसानियत। हर राज्य से लेकर राजपथ तक कितनी तरक्की कर ली है हमने, लेकिन आधी आबादी की ये पूरी तस्वीर देखकर ऐसा लगता है जैसे स्त्री होना इस संसार और सभ्यता की सबसे क्रूर सजा है। और उससे भी बड़ी सजा है उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराना, कि अगर 30 की मानक के अनुसार एक कैंप में 30 से ज्यादा नसबंदी ऑपरेशन नहीं होने चाहिए एक सर्जन टीम के द्वारा। वाकई में अगर इस तरह से कि जमीन पे लिटा दिया और 74 केस हो गए वो भी 4 घंटे में, तो ये तो मानकों की अनदेखी कर दी गई है और मरीजों के साथ उनकी मतलब जो उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं कि उनको मानकों के अनुसार ही नसबंदी ऑपरेशन किए जाए, उसका सरासर उन्होंने अवहेलना की है। काशी में तरक्की के रंग तो देश में सबसे रंगीन है, विश्व के मानस पटल पर पहुंचने का प्रयास हो रहा है, लेकिन ये तस्वीरें तमाचा है तरक्की पर, तमाशे पर, झूठी व्यवस्था और झूठे वादों पर। निश्चित तौर पर ऐसे चिकित्सक को जिसने डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद जो शपथ ली थी मानवता की, उसका सीधे सीधे उल्लंघन किया है, सख्त कार्रवाई उसके विरुद्ध होनी चाहिए। मेरी तो मांग है डॉक्टर को उठाकर ठोक देना चाहिए, सीधे बंद कर देना चाहिए और उसके बाद इसकी जांच करके जो जितने लोग इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। ये पीएम मोदी की काशी है, क्योटो बनने वाली है, लेकिन विकास के तमाम नारों के बीच वाराणसी की इन तस्वीरों में आदिम सभ्यता के सारे अवशेष जीवित अवस्था में नजर आते हैं। इन तस्वीरों पर तकरीर होने लगी है, इधर के सवाल उधर के जवाब। ये जो घोर अराजकता की स्थिति उत्तर प्रदेश सरकार में बनी हुई है, आज सरकार के मंत्री ही जिस तरीके से लूट में सम्मिलित हैं, इसी तरीके से ये उसी की परिणति है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के आए हुए पैसे कहीं और खर्च हो रहे हैं और मरीज न दवा पा रहे हैं न इलाज पा रहे हैं, और विडम्बना तो ये है उस पे कि इस तरीके से ऑपरेशन करके मरने के लिए जमीन पे छोड़ देना, फर्शों पे छोड़ देना महिलाओं को, ये बहुत अपमान करने वाली स्थिति है। बहरहाल पिछली घटनाओं से कुछ नहीं सीखा, बल्कि बनारस में पोल खुल गई सारी व्यवस्थाओं की, खुले आसमान के नीचे सीलन भरे फर्श पर बिछ गया सूबे की सरकार और स्वास्थ्य विभाग का झूठा फरेब। इंतजार की आंच पर अब ये खिचड़ी पकेगी, सच्चाई की परतें उतरेंगी, तब पता चलेगा जिम्मेदार कौन। वाराणसी से राजू श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के लिए साजिद अली की रिपोर्ट। और आइए इस पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अहमद हसन ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। यहाँ से डायरेक्टर रैंक का एक आदमी बिल्कुल जांच के लिए भेज दिया गया है, जो दो डॉक्टर जिन्होंने क्योंकि जब भी कोई कैम था या बड़े ऑपरेशन होने थे तो तैयारी पहले से करना होना चाहिए था, जनता की सारी सुविधाओं को ध्यान में रखना चाहिए था,
वहाँ ध्यान में नहीं रखा, उन दोनों डॉक्टरों का हटा दिया गया है और उनके खिलाफ जो इसमें जिम्मेदार पाया जाएगा उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कराएगी। तो जो जिम्मेदार पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी सरकार। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिन सेवाओं पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं वहां के हालात ऐसे क्यों, और अगर इन महिलाओं के साथ कोई भी अनहोनी होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं, इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर हिलाल नकवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, क्या यही हकीकत है शासन के दावों और प्रशासन के वादों की? क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था समाजवादी पार्टी के हमारे जो मित्र आज आने वाले थे शाहिद भाई, उनका आज से डेढ़ महीना पहले मथुरा में एक हैवानियत हुई थी, तमाम लोग अंधे कर दिए गए थे कैंप के नाम पर। तो मैंने ये सवाल उठाया था तो उन्होंने कहा तो मैं वादा करता हूं अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश की जनता से वादा करके जा रहा हूं कि बूचड़ खाने वाला सिलसिला बंद कराएगी सरकार। क्या हुआ, ये अगला अध्याय खुल गया। आज मैंने आजमगढ़ का उदाहरण दिया था जहां ऐसा ही बूचड़खाना लगा था, उन्होंने कहा था आप मुझे सीएमएस का नाम दीजिए, मैंने सीएमएस का नाम दिया था उनको, कानाफूसी में नहीं, इसी मंच पर, और उन्होंने कहा था इस सीएमएस के खिलाफ कार्रवाई होगी। आज जब मैं शो में आ रहा था तो मैंने अपनी सहयोगी गायत्री से कहा कि इसको पता करिए, तो पता लगा वो सीएमएस अभी वही तैनात है पूरी दबंगई के साथ। कहां है सरकार? आज मैं बहुत क्षुब्ध हुआ ये विषय देखकर, तमाम राजनीतिक विषय थे जिन पर आज मैं चर्चा कर सकता था, राहुल गांधी जयंती, नटराजन, अमित शाह, तमाम विषय थे, नहीं मेरे लिए वो विषय छोटे हैं। अमित शाह क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं तो जिंदगी भर बोलेंगे, देश में हो क्या रहा वो महत्वपूर्ण है। इसलिए आज मैंने चिरई गांव जाने का फैसला किया, मेरी आंख में आंसू आया जब मैंने घटनाक्रम देखा। ये फर्श, ये तस्वीरें देखिए, ये फर्श पर लेटी हुई महिलाएं, अभी ओबामा आए थे, हमने उनको क्या दिखाया कि देखिए दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हिंदुस्तान की एक नौजवान लड़की के सुरक्षा के साए में चल रहा है भारत के राष्ट्रपति भवन में, पूजा राठौर, पूजा राठौर नाम का जी उस बच्ची का, पूजा ठाकुर, पूजा ठाकुर। आज यहां चिरई गांव देख ले ओबामा तो क्या कहेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे, हम लोग ब्रांडिंग करते घूम रहे हैं। अहमद हसन साहब कह रहे हैं जांच होगी, कितनी जांचें करोगे मेरे हुजूर, कितनी जांचें करोगे, कितने लोग आपकी जांच की प्रक्रिया में मर गए और कितने मर जाएंगे। 73 ऑपरेशन हिलाल लखवी जी, 73 ऑपरेशन, 4 घंटे में 3.25 मिनट एक ऑपरेशन का, 3.25 मिनट में दुनिया का कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर सकता है क्या, दुनिया का कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर सकता है क्या, क्या क्या बूचड़ खाना। इसलिए मैंने शब्द इस्तेमाल किया, आपने कत्लदाह बना दिया स्वास्थ्य केंद्र को, 4 बेड थे तो 73 ऑपरेशन हुए क्यों, उत्तर प्रदेश की समूची सरकार कटघरे में खड़ी है। और अगर यह हाल भारत के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का है तो ननकू लाल, अच्छे लाल, हीरा लाल, मोतीलाल नाम के जो सामान्य सांसद होंगे उनके क्षेत्रों में क्या होगा। ये क्षेत्र तो भारत के प्रधानमंत्री का है, विशिष्ट है इस नाते, बाकी तस्वीर देखिए बाकी सांसदों के संसदीय क्षेत्र में, फिर क्या स्वास्थ्य सेवा होगी हमको पता लगता है। मेरा मन आहत है, ऐसी व्यवस्था बदलनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री से अगर मंत्रालय नहीं संभलता तो मुख्यमंत्री को चाहिए उनको हटाएं, वृद्ध भी हो गए अहमद हसन साहब, ऐसे देश नहीं चल सकता, ऐसे प्रदेश नहीं चल सकता। या आपने लाशों की तरीके से जिंदा महिलाओं को लिटा दिया इस सर्दी में फर्श पर, न मरता हो तो मर जाए आदमी, आंख में पानी नहीं, शर्म नहीं, लिहाज नहीं, कानून की समझ नहीं, और सबसे बड़ी बात प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी और अधिकारियों में मानवता भी नहीं। आज बहुत पीड़ा के साथ ये विषय लेके आया हूं राजनीति से परे हटकर।
अगर प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना सलीके से काम हो रहा है तो बाकी उत्तर प्रदेश में काम कैसे हो रहा होगा, ये उसकी वानगी है। इस पर आज विस्तार से चर्चा हो, प्रदेश में एक संदेश जाए, सरकार भी सुने कि एनएफ इज एनएफ, बहुत हुआ, व्यवस्था बदलिए, सिस्टम सुधारिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने प्रदेश को बचाने के लिए जनमत तैयार करिए, लोगों को इस लायक बनाइए कि वो अपना हक ले सके। मनीष शुक्ला जी, इससे पहले भी मामले सामने आते रहे हैं, चाहे बात आजमगढ़ की हो, कुशीनगर की हो, चित्रकूट की हो, और अब काशी में भी ये मामला सामने आया। इंसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है, भेड़ बकरियों की तरह महिलाएं लाई जाती हैं, दो तीन मिनट में ऑपरेशन कर दिए जाते हैं। सवाल यह कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से नसबंदी के बाद महिलाओं की मौत हो गई, उसके बाद कुशीनगर में मामला सामने आया, चित्रकूट में मामला सामने आया, आजमगढ़ में मामला सामने आया, और अब काशी में, ये सरकार सबक लेने के लिए तैयार क्यों नहीं है? गायत्री जी, जो बनारस में हुआ वो मानवता को शर्मसार कर देने वाला और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। अमिताभ जी, एक चीज और, मैं आज चैनल पर बैठ के आरोप लगाऊं जी, ये मतलब मुझे आज अजीब लग रहा है यहाँ बैठने के बाद, क्योंकि आजादी के 67 साल बाद मातृशक्ति का जो हाल है, सचमुच ये मतलब सबको सोचना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए, और अक्रॉस पार्टी लाइन इस पे विचार होना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं। व्यवस्था जब है कि एक सर्जन की टीम 30 लोग का ही कर सकती है, दूसरा जिस स्वास्थ्य पीएससी में केवल चार लोग का बेड हो, वहां 76 लोग की आवश्यकता क्या थी? अमिताभ जी देखिए, एक हालात होते हैं, युद्ध के हालात होते हैं, आपातकाल के हालात होते हैं, उस समय तो इस तरह की बातें होती हैं। और नसबंदी तो कोई ऐसी इमरजेंसी भी नहीं होती कि उसको आज ही करना अनिवार्य है, नहीं तो जिंदगी मौत का सवाल है। इसको एक 15-20 दिन में भी कर सकते थे, तीन तीन चार चार लोग को एडमिट करके कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोलैप्स है पूरे सिस्टम में, और इस पर सबको विचार करना चाहिए। और प्रदेश सरकार के बारे में के चेतने के बारे में अगर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि घटना दर घटना सबक तो नहीं ले रही है। उन्नाव की घटना हुई, उसके पहले स्वास्थ्य संबंध में ही आपने आजमगढ़ देवरिया की बात की, मुझे ध्यान में कई जगहों पे सफाई कर्मी इंजेक्शन लगाते हुए पकड़े गए, और कानपुर में तो हैलेट हॉस्पिटल से कुत्ता जो है हाथ ऑपरेशन के लिए रखा था, लेकर भाग गया। तो कुल मिला के देखिए, स्टेट गवर्नमेंट तो किसी भी कार्रवाई से बचने और ये कहने से बाज नहीं आती कि हम जांच करेंगे और जांच के बाद कार्रवाई करेंगे, क्योंकि देखिए सीधे आपका चैनल दिखा रहा है कि लोग जमीन पे पड़े हैं, ये वायलेंस ऑफ नियम तो दिख ही रहा है सीधे सीधे, तो फिर किस चीज की जांच? जांच तो ये होगी किन परिस्थितियों में कब हुआ, लेकिन जब दिख रहा है तो अब जांच के बाद ये लोग क्या निर्णय लेंगे, अभी 2-4 दिन वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो नारी शक्ति है और किन स्थितियों में, देखिए वहां कैजुअल्टी नहीं हुई, ये भगवान शंकर का ही प्रताप था कि वहां कैजुअल्टी नहीं हुई, और नहीं तो स्वास्थ्य विभाग ने कोई कसर छोड़ी नहीं थी। बिलाल नकवी जी जी, मुझे हम सब लोगों को इस बात पर जरूर सोचना चाहिए, यही सवाल है मेरा और यही मेरी अपील भी है कि उत्तर प्रदेश का तंत्र, यहां के गण को आदमी कब समझेगा? और कोई बहस अब नहीं करनी उत्तर प्रदेश में, सिर्फ बहस इस बात की है कि आदमी को आदमी हुजूर कब समझोगे आप? हर घटना यह बताती है कि आदमी को आदमी नहीं समझा जा रहा। महोबा में पुलिस वाले लड़के को, निर्दोष लड़के को पकड़कर पेशाब पिला दे रहे हैं, उसके पेट्रोल डाल दे रहे हैं शरीर के अंदर, इसका मतलब आदमी नहीं मान रहे। मथुरा में 36 लोगों की आंखें फोड़ दी, आदमी नहीं मान रहे। यहां 73 महिलाओं को लाकर सड़क पर पटक दिया, यानी आदमी नहीं मान रहे। अब लड़ाई आदमी को आदमी मनवाने की है, क्या किया जाए इसमें और कैसे बात बने? अमिताभ भाई, यहां पर जो आपने ये प्रश्न उठाया है कि आखिर कब आप मानव को मानव समझेंगे, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जो एक बेसिक राइट्स होते हैं किसी भी मानव के लिए, किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, उनमें से एक ये होता है कि कम से कम अगर वो उसका मर जाए तो उसका दाह संस्कार सही तरह से हो जाए, अगर वो जीवित है आवश्यकता पड़ने पर उसको स्वास्थ्य की सेवाएं सही तरह से मिल पाए। जो यहां पर हुआ है, बनारस में हुआ है, ये दो चीजों की पोल खोलता है, चाहे बनारस की बात कीजिए, चाहे आप मथुरा की बात कीजिए।
पहली बात तो यह है कि जो उत्तर प्रदेश है यहां के पास स्वास्थ्य सेवाएं आज की भी तारीख में वही पुरानी बाबा आदम के जमाने की है, उसके न किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया है। स्वास्थ्य सेवाओं में ना तो डॉक्टर की भर्ती होती है जिससे कि उनके नंबर बढ़े, पीएचसी और सीएचसी में आप जाकर के देखिए तो वहां के पास डॉक्टर्स की पोस्टिंग है, डॉक्टर गायब है, और डॉक्टर जब पता लगता है कि वहां मौजूद है तो इस प्रकार की घटनाओं के द्वारा पता लगता है कि हां यहां के पास डॉक्टर मौजूद है और कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको इस चीज के ऊपर ध्यान देना होगा कि अगर वहां के ऊपर जो भी चिकित्सीय सुविधाएं हैं उनको कम से कम इतना तो बना दें कि वहां के ऊपर मानवता जो है वो शर्मसार ना हो। कम से कम वहां के ऊपर जो डॉक्टर तैनात किए गए उनको तो चेक कर ले कि वो वहां मौजूद है या नहीं मौजूद है, इस चीज को तो देख रहे कि जिन डॉक्टर की नियुक्ति हुई है वो अपने आप में इस लायक है या नहीं है कि वो इस प्रकार के कार्यों को अंजाम दे सके। किसी भी व्यक्ति को आप जो है वो एमबीबीएस पास होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा एमबीबीएस पास किसी तरह से कम होते हैं, लेकिन जब आप ऑपरेशन के लिए जाते हैं आज के स्पेशलाइजेशन के दौर में आप देखिए तो ज्यादातर जितने भी पीएचसी और सीएचसी हैं वहां के पर आपको पूरी तरह से क्वालिफाइड डॉक्टर जो आजकल के मानक है वो बहुत कम मिलेंगे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार जो है वो इसके अंदर दोषी दिखाई देती है। हिलाल भाई जी, बात आपकी बहुत बिल्कुल दुरुस्त है, किसी जो हम कह रहे हैं वो भी दुरुस्त, आप कह रहे हैं वो भी दुरुस्त, जो मनीष कह रहे हैं वो भी दुरुस्त, कोई उसमें एतराज नहीं कर सकता। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, एक सीनियर आईएएस अधिकारी जो उत्तर प्रदेश में लंबे अरसे तक रहे, हेल्थ मिनिस्ट्री में भी रहे उत्तर प्रदेश की, बाद में केंद्र में आ गया प्रतिनियुक्ति पर, तो उन्होंने एक बार मुझे कहा कि अग्नोत्री जी पिछले 25 वर्षों में जितना पैसा हेल्थ के नाम पर गया है उत्तर प्रदेश में उतने से नोएडा से लखनऊ तक सीमेंट की नहीं मेटल की रोड बन जाती, इतना पैसा चला गया। ये पैसा गया कहां? आज भी 4 बेड क्यों है, वो भी 3 टूटे 1 सजा साबित। ये क्या माहे क्या भाई, पैसा कहां गया? ये पैसा किसी पार्टी के फंड का था क्या, या किसी नेता ने अपना खेत बेच के पैसा दिया था? ये पैसा हमारे टैक्स का पैसा था मित्र, ये गया कहां? जी अमिताभ भाई, हमारा दूसरा प्रश्न यही था कि जो केंद्र से पैसा आया है एनआरएचएम के नाम के ऊपर, हिलाल भाई केंद्र राज्य छोड़ दो, हिलाल भाई एक मिनट के लिए केंद्र राज्य छोड़ दो, आप अमिताभ भाई एक मिनट सोच बता रहे हैं, भैया एक मिनट 25 साल में टोटल बजट हेल्थ पर ग्रामीण शहरी सब मिला के किसी योजना सब कुछ इन टोटो जितना पैसा गया उसको जोड़ लो, अगर आपका कैलकुलेटर फेल नहीं हो जाए तो मुझे बताइएगा पैसा गया कहां। जी बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ भाई, यही है कि इन सब चीजों के पीछे मुख्य कारण यह है कि जो पैसा आप मिलता है राज्य सरकार को इन चिकित्सीय सुविधाओं के लिए वो सारा का सारा पैसा भ्रष्टाचार की नजर हो जाता है, और वो भी भ्रष्टाचार छोटा मोटा नहीं होता है, इस हद तक भ्रष्टाचार हो जाता है कि कितने उसके अंदर कत्ल हो चुके हैं और हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसके अंदर भ्रष्टाचार जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। कम से कम जब हम मेडिकल सर्विसेज की बात करते थे कि हिलाल भाई आज से 12 साल पहले इसी चिरई गांव में इस जिसमें ये हादसा हुआ इसमें 4 बेड थे लोहे के जी, और 2015 में भी 4 ही है जी, पैसा कहां गया भाई? जी अपने घर का बेड बनवा लिए क्या लोग, पैसा गया कहां? ये चोरों की बारात हो गई उत्तर प्रदेश में, मुश्किल ये जनता का पैसा जा कहां रहा? अगर मेरी मां बहन और बेटी ऑपरेशन के बाद सर पर ले जमीन पर लेती है, साहिल साहब आपका इंतजार कर रहा था मित्र, मैं माफी चाहूंगा देर हो गई मुझे आने में, कोई बात नहीं आपसे भी और गायत्री जी दोनों से माफी। मथुरा में जब लोग अंधे हो गए थे बूढ़े, उस दिन आप मेरे साथ थे, आप 3 वादा करके गए थे। वादा नंबर 1, अमिताभ जी उत्तर प्रदेश सरकार बूचड़ खानों पर रोक लगाएगी, आदमी का बूचड़ खाना नहीं चलेगा, आप तय मान लीजिए, मैंने नोट कर लिया, एक वादा आपने किया था जनता से 22 करोड़ लोगों से, आपने मतलब समाजवादी पार्टी ने, आप उसके प्रतिनिधि हैं अगर तो। दूसरा वादा था जो लोग यहां अंधे हुए हैं बूढ़े हैं 70-70-80 साल के लोग अंधे हुए थे, कहा था कि हम सरकार से पैरवी करेगी पार्टी कि उनको 1 मुश्त 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख कुछ दे दिया जाए ताकि उसके ब्याज से उनका जीवन चल जाए। और तीसरा वादा मैंने कहा था कि मथुरा अकेला नहीं है, आजमगढ़ है,
मैंने वाइफ सुनवाई थी वहां की सीएमएस की, तो आपने नोट किया था पेन निकालकर कि अमिताभ जी ये सीएमएस गलत बोली है, इसको जाना होगा। वो सीएमएस भी ताल ठोक रही, उन गरीबों को एक रुपया नहीं मिला और बूचड़खाने बदस्तूर जारी है। चिरई गांव उसका लेटेस्ट एडिशन है। मोहम्मद शाही साहब, सबसे पहले तो अमिताभ भाई मैंने बूचड़खाना शब्द कतई इस्तेमाल नहीं, मैं ये तो मैं बोल रहा हूँ, आप नहीं बोलेंगे, आपने नहीं, आपने जो कहा था मैं बता दे रहा हूँ, मुझे मेरी स्मृति लोप नहीं है, मैं बता दूं, मैं इसको बूचड़ी खाना बोलूंगा। समाजवादी पार्टी इसको धार्मिक कार्यक्रम बोले उसकी मर्जी, लेकिन जहां 74 लड़की महिलाएं इस ठंड में फर्श पर लिटा दी जाए वो बूचड़खाना नहीं तो और क्या। चलिए इसी पर बहस कर ले, ये बूचड़खाना नहीं तो नहीं, क्या? नहीं, 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 जो नहीं, मुद्दा है मोहम्मद शाही, एक मिनट, जो मुद्दा आपने आया है उसी पर बहस होनी चाहिए। एक जैसे अगर अलग जाएंगे तो बहस का कोई मतलब नहीं होगा। एक मिनट, बहस सबसे बड़ी चीज ये मोहम्मद शाही साहब, मुझे बहस का मतलब पता है, बहस का मतलब सार्थक बहस होनी चाहिए, मुझे पता है सार्थक बहस कैसे होती है, इसीलिए पूछ रहा हूँ, मुझे ये समझा दीजिए। देखिए एक मिनट भाई, सवाल तो पूछ लूं। तीन मिनट, सवा तीन मिनट में एक ऑपरेशन दुनिया में कहीं हुआ क्या? उत्तर प्रदेश में कैसे हो गया? इसी का जवाब दीजिए, बाकी बातें बाद में करेंगे। देखिए अमिताभ भाई, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भी घटना बनारस के चिनाई गांव में हुई पीएससी पर शर्मनाक है। और सबसे बड़ी चीज ये कि अभी मैं आपके ही चैनल पर थोड़ी देर पहले मैंने देखा विजुअल सारे चैनल पर भी चल रहा था और मैंने देखा, और उत्तर प्रदेश सरकार ने और स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक आदेश दे दिया है, जो स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर लेवल का अधिकारी उसमें जांच करने पहुंच गया है और उसके अंदर सस्पेंशन से लेकर दंडात्मक कार्रवाई तक होगी जो लोग इसके नेग्लिजेंस के अंदर शामिल होंगे। मैं ये बता रहा हूं आपको, और देखिए एक बात है, वो जिस डॉक्टर ने भी इस तरह की हरकत करी है, जिस डॉक्टर में, जो भी डॉक्टर इसके अंदर शामिल है, जो भी स्टाफ शामिल है, वो कोई भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा किसी भी तरह का, क्योंकि इसके अंदर चाहे वो हो सकता हमारे परिवार के भी लोग हो सकते हैं। मोहम्मद शाही साहब, परिवार के लोग, मोहम्मद शाही साहब, ये मीठी मीठी बातें आज नहीं सुनूंगा, माफ करिए, आपको बहुत प्यार करता हूं लेकिन आज नहीं, आज मेरा मन अशांत है। मथुरा में भी आप बोल के गए थे, सुन लीजिए, आप ये मथुरा में भी बोल के गए थे, आजमगढ़ में आप नहीं थे लेकिन आपकी पार्टी के नेता थे, तब वो भी ये बोल के गए थे, अमिताभ जी अहमद हसन ने बोल दिया और अखिलेश जी ने बोल दिया, बिल्कुल कार्रवाई हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ, वो सीएमओ वही ताल ठोक रही है मथुरा में, आपने किसी जो भी नाम है उसका, सीएमओ नहीं, सीएमएस। अरे भाई, हेल्थ डायरेक्टर सही यार, आप फुल स्टॉप पे मत अटको ना, 22 करोड़ लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ और आप भी समझ रहे हो, ये मत करिए बहस में, सीएमएस नहीं उसका नाम ये है, आप जान रहे हैं ना, आजमगढ़ की बात कर रहा हूं, आप अपनी बात को पूरा नहीं कर पाए, इतनी बात मानिए, मथुरा में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, कितने लोगों को आपने जेल भेज दिया, 36 लोग अंधे हो गए, 80-80 साल के बुड्ढे अंधे हो गए, क्या किया आपने? उस दिन भी आप यही कह के गए थे, अमिताभ जी अखिलेश जी की सरकार बहुत सख्त है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, आकाश पाताल हिला दिया जाएगा, क्या हुआ? मेरे तो मथुरा के रिपोर्टर ने एक 30 सेकंड की खबर भी फाइल नहीं की कि भैया कि सर उस दिन की जो ये बूचड़खाना लगा था आंखों का उसमें ये 27 लोग गिरफ्तार करके भेज दिए गए, क्या कह रहे हैं आप, किसको बता रहे हैं? और यही चिराई गांव पर मान के हम संतोष कर लें और कहें समाजवादी पार्टी जिंदाबाद और अगले चिराई गांव की प्रतीक्षा करें, ये नहीं होगा मुझसे, मुझसे जनता पूछती है कि मथुरा के बाद चिराई गांव कैसे हो गया? अमिताभ जी क्या उत्तर दूं? अहमद हसन की फोटो दिखाऊं? इन महिलाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों? ये नागरिकों का सम्मान है, आप आदमी को आदमी की तरह ट्रीट नहीं कर रहे, जानवर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मैं बड़ा आरोप लगा रहा हूं सोच समझ के, होशो हवास में आदमी को जानवर की तरह ट्रीट किया गया चिराई गांव में, और निश्चित तौर पर जो अमला होता है, चाहे वहां का सीएमओ हो, चपरासी हो, कंपाउंडर हो, डॉक्टर हो, कोई हो, दाई हो, सबको पता है, इतना तो सब अखबार पढ़ते हैं कि मोदी की कांस्टिट्यूएंसी है, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा प्रिकॉशन भी ले रहे होंगे, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन का यह हाल है तो जो मोदी की कांस्टिट्यूएंसी नहीं है वहां क्या हो रहा होगा, इसका अंदाज तो मैं लगा लिया। अगर मैनपुरी में ऐसा हो जाए और इटावा में ऐसा हो जाए तो मान लीजिए पूरे प्रदेश में वैसा ही हो रहा होगा उससे गंदा, और बनारस में हो जाए तो भी मान लीजिए पूरे प्रदेश में स्थिति और भी खराब है।
आजमगढ़ में भी वैसा ही हो रहा है, आजमगढ़ में भी वैसा ही हो रहा है। मुलायम सिंह जी वहां से सांसद हैं, वहां भी यही स्थिति बनी थी। तो जहां से हिलाल नकवी सांसद चुन लिए जाएंगे वहां कौन सुनेगा? शहीद साहब ये तस्वीरें देख रहे हैं ना आप, ये हमारी आपकी मां होती तो कैसा लगता, हमारी आपकी बहन और पत्नी होती तो कैसा लगता? देखिए तस्वीरें, ये 2015 का उत्तर प्रदेश है हमारा। मैंने पहले भी अमिताभ भाई कहा कि ये जो घटना हुई हमारे भी परिवार के लोग हो सकते हैं, तो मैंने ये बात कही आपसे, मैंने पहले भी कही इस बात को। देखिए ये नहीं है उस घटना को कोई ये नहीं ठहरा। और मैंने एक बात और, मैं आपकी उस बात से कतई सहमत नहीं हूं जिसमें आपने कहा कि उत्तर प्रदेश का 2015 का ऐसा ऐसा नहीं है। देखिए इंसानियत से बड़ा उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, देश की भी सरकार हो चाहे किसी भी स्टेट की सरकार हो, इंसानियत का पैमाना सबसे बड़ा पैमाना होता है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जिस अस्पताल में यह घटना घटी है, अमिताभ भाई के बाद भी कोई आदमी बहस करने का साहस करे तो उसकी संवेदनशीलता को मैं प्रणाम। नहीं नहीं, ये यहाँ पर संवेदनहीनता या संवेदनशीलता का प्रश्न नहीं है अमिताभ भाई, सवाल ये है कि जहां पर ये जिस पीएससी चिराई गांव में ये घटना घटी, मैंने आपको पहले भी जब चर्चा में मैं शामिल हुआ, देर में शामिल हुआ, मैंने तभी आपसे ये निवेदन किया कि स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर स्तर के अधिकारी पहुंच गए हैं, जांच कर रहे हैं और दोनों कार्रवाइयां होंगी, चाहे वो निलंबन चाहे वो आईपीसी की धारा में। एक भी मोहम्मद शाहिद साहब आपकी बात पर यानी सरकार की बात पर उत्तर प्रदेश को भरोसा नहीं, कड़वी बात है लेकिन आज बोलना पड़ेगा। अब नहीं बोलेंगे तो जनता हमको माफ नहीं करेगी, मेरा जमीर मुझे धिक्कारेगा। मैं ऐसा माफ नहीं कर सकता 22 करोड़ लोगों के साथ। जान लीजिए आजमगढ़ में भी आप यही बोले थे, आपसे मतलब पार्टी और सरकार क्या किया अहमद हसन ने, वहां भी ज्वाइंट डायरेक्टर रैंक का आदमी गया था, वहां भी मंत्री जी ने कलप लगा कुर्ता पहन के भाषण दिया था ANI पर कि छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे वो कर देंगे। वो अग्रवाल लेडी क्या नाम है उसका, अमित अग्रवाल, वो तो वहां सलमान खान की दबंग की तरह रही। मथुरा में आपने किसी को गिरफ्तार किया नहीं, अब आप आजमगढ़ पे हमको, अब आप काशी पर चिराई गांव के लिए हमसे कह रहे हो कि ये ताबीज अपने गले में पहन लो, इस आप सब ठीक हो जाएगा, कैसे मान लू? आप आदमी का अतीत देख के ही ना भविष्य पर भरोसा होगा। जो आदमी दो बार डिफॉल्टर हो जाए उसको तीसरी बार उसकी बात पर भरोसा कौन करेगा? अहमद हसन की बात पर मैं कैसे यकीन कर लूं? हिलाल नकवी जी अहमद हसन की बात पर यकीन कैसे कर लूं? आजमगढ़ में क्या हुआ? यही दृश्य था आजमगढ़ में। आजमगढ़ में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो चिराई गांव में किसको फांसी लगेगी? अमिताभ भाई मैं अभी नहीं, अभी अब आपके पास दोबारा आएंगे मित्र। हिलाल नकवी जी जी अमिताभ, मथुरा में क्या हुआ जी अमिताभ भाई? इस तरह के बयान जो हैं वो लगातार, जब कभी कोई भी दुर्घटना घटित हो जाती है तो सरकार का एक स्टीरियोटाइप बयान आता है, जांच होगी कार्रवाई होगी। अब तक की किसी भी दिन आप इस चीज के ऊपर बहस करवा लीजिए कि कितनी जांच हुई और कितनी कार्रवाई हुई, आज की तारीख तक के कितने ऑफिसर ऐसे हैं जो सस्पेंड भी किए गए हों, चलिए निलंबन की तो बात ही आप जाने दीजिए। लगातार इस वक्त जो उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर है इसके अंदर देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार है तो जाहिर से बात है सवाल इन्हीं से पूछा जाएगा। जिस तरह से गंगा जी में लाशें मिली उन्नाव में, जिस तरह से उन्नाव में कंकाल मिले, जिस तरह से आजमगढ़ में हुआ, मथुरा में हुआ और साथ ही साथ अब काशी में हुआ है, तो इस तरह की घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं। हम उनकी कोई बात नहीं करते हैं जो इस बीच में जितने भी दंगे फसाद और जो कुछ भी हुआ मुजफ्फरनगर में किया, हम कोई बात नहीं करते, सबको छोड़ दिया हमने। तो यहां के ऊपर यह बात एक बिल्कुल सही है कि आदमी की जान और माल की सुरक्षा जो है वो नहीं हो पा रही है। यहां के ऊपर किसी भी तरह का जो एक मानवता का चेहरा दिखना चाहिए शासन और प्रशासन का, वो देखने में यहां की जनता असमर्थ है, देखने की अगर कोशिश करे तो भी नहीं दिखाई देता है। ये एक अपने आप में सच है। और एक सबसे बड़ा सच ये है कि इतनी महिलाओं के साथ ये दुर्घटना हो गई, आपका महिला आयोग क्या कर रहा है? आपका महिला आयोग भी वहां जाकर के कम से कम उनके साथ सांत्वना ही करे। महिला आयोग तो महिलाओं की सेवा में लगा है, बात है आयोग तो पार्टी की सेवा में लगा है, महिलाओं की सेवा में नहीं, पार्टी की सेवा में लगा। जी हाँ,
और यही बात जो है ये बहुत जगहों पे कही जा सकती है। आपने कहा जानवरों जैसा व्यवहार, जी अमिताभ भाई आप ही के चैनल पे दिखाया गया था कि जानवरों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। मैं प्रमाणित कर दूंगा कि जानवरों से बदतर व्यवहार है, मैं कायम हूँ। आपको खुद को याद होगा, आपके चैनल पे दिखाया गया था कि जानवरों को किस तरह से हवा और पंखे और एसी के अंदर रखा जा रहा है इसी उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो इससे जानवरों की तुलना आप इंसानों से ना कीजिए, ठीक है। ठीक है, एक बात मुझे याद आ गई, शाहिद साहब से कह दूं, शाहिद साहब से मतलब हुकूमत से कह दूं, हमारे गांव में भैंस और गाय जब गर्भवती होती थी तो उसके खान पान का ख्याल रखा जाता था, चना गुड़ और देसी घी मिला खिलाते थे, और जब उसके संतान होती थी तो उसकी स्पेशल केयर करते थे, बच्चे की भी और उसकी जन्म देने वाले की भी। ये व्यवहार को हम लोग जानवरों के साथ भी करते रहे, ये कैसा व्यवहार है? और आप कह रहे हो इस व्यवहार को क्षमा करो अग्निहोत्री जी, माफ करिए मैं नहीं कर सकता। मोहम्मद शाहिद साहब एक बात कहता हूं, आपका सिस्टम कितना नाकारा और झूठा है। उन्नाव का एसपी लक्ष्मीकांत वाजपेयी से वो क्या कह रहा, वो उनसे क्या कह रहा, वो उनका हेडक है। निर्मल खत्री का हेडक निर्मल खत्री जाने, स्वामी प्रसाद मौर्य का हेडक वो जाने। मैं अपनी बात कहता हूं, सुनी कहीं नहीं। मेरे से उन्नाव के एसपी ने खुद कहा व्यक्तिगत, मैंने कहा यह क्या है भाई, सबसे ज्यादा कंकाल है। आपके एसपी ने मालूम क्या कहा, उन्होंने कहा अग्निहोत्री जी मैं कसम खा के कहता हूं 4-5 से ज्यादा नहीं, आज काउंटिंग हो रही है वहां। मेरे ख्याल से आप खत्म हो गई होगी, सुबह 11 बजे से काउंटिंग शुरू हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कैसी सरकार चला रहे हैं आप लोग। 4 बजे मैंने वहां से रिपोर्ट ली थी कि कितने नरकंकाल काउंट हो चुके, तब तक 54 हो चुके थे। आपका एसपी झूठ बोलता है, मुझे गुमराह करता है, राजनेताओं के साथ खेल खेले समझ आती है बात, मुझे गुमराह करता है। आज मुंह छुपाने लायक नहीं बचा कहीं ना, कहां मुंह छुपाएगा, क्या कर रहे हैं? ये सवाल नहीं पूछे, ये नहीं पूछे कि सबसे ज्यादा नरकंकाल कहां से आ गए। फिर आपने दूसरा झूठ कर पूरे तंत्र ने दूसरा झूठ खड़ा किया, फॉरेंसिक जांच के लिए रखा है बिसरा डीएनए, जिसे अमिताभ जी तो डीएनए सुनकर घबरा जाएंगे, वो गांव के आदमी वो क्या जाने डीएनए। मैंने 20 फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात करने के बाद आपके अधिकारियों के मुंह पर रिपोर्ट चश्मा कर दी कि आज के वैज्ञानिक युग में किसी भी मानव की जांच के लिए, सुन लीजिएगा ढंग से, किसी भी फॉरेंसिक जांच के लिए शरीर रखने की जरूरत नहीं, शव रखने की जरूरत नहीं, नाखून से बाल से छींक से थूक से लार से परीक्षण हो जाता है। और बोरे में भरती है राशि, आपने क्या हो क्या रहा है, मतलब सब मिर्च का पाउडर लेके चल रहे हैं, चाहे जिसकी आंख में झोंके दे रहे हैं। मुंह शायद अगर इसके बाद भी आप ये कहो कि अमिताभ जी आप अपने आवाम के साथ खड़े मत हो, आप इन बेईमान अधिकारियों के साथ खड़े हो, तो मैं नहीं खड़ा हो सकता, माफ करिए शायद साहब, नहीं। मैं उन्नाव में उन 100 कंकालों के साथ खड़ा हूं जो गुमनाम लोग हैं वो कौन है, और चिरई गांव में इन माताओं के साथ खड़ा हूं 74। किसी पार्टी को अच्छा लगे तो भी खड़ा हूं, बुरा लगे तो भी खड़ा हूं। कोई गलती तो नहीं कर रहा उनके साथ खड़े होकर शाहिद साहब? नहीं नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, मगर अमिताभ भाई जी सबसे बड़ी बात यह है कि वो कंकाल है वहां पर, वो आज के नहीं है, पिछले 15 साल के हैं कंकाल। ये बात सच है कि कंकाल मिले, ये निग्लिजेंस है वहां का अधिकारियों का, वो मैं कह रहा हूं। और आपने जैसा भी अभी आप ही मैंने बताया कि वहां आज जांच चल रही है, उसमें उसका हम इतना विवेचन कर देंगे कि उसमें आपका डीजी भी नप जाएगा, भी यही चेहरा खराब हो जाएगा। जो क्या उनने बोला मैं एक एक का खंडन कर दूंगा बिंदुवार, प्रमाण के साथ प्रमाण दिखा दूंगा। हम लोग भी बरात शादी नहीं किए तो बराते बहुत किए हैं मालिक, आप लोग कितनी बार सत्ता में रहे, हम लोग तो 25 साल से सत्ता ही देख रहे हैं, प्रशासन ही देख रहे हैं, एसपी डीएम का आना जाना, मंत्री मुख्यमंत्री यही देख रहे हैं ना, सिस्टम कैसे चलता है। पुलिस लाइन में जब जब चार्ज बदलता है
तब तब एक फर्द बनती है उस एसएसपी उसको साइन करता है। ये कहां छुपे थे, किसने साइन किए? आप आज 20 साल बता रहे हो, 20 साल में तो वहां 40 एसपी बदल गए, उनके दस्तखत कहां है? लाओ। मैंने कल एसपी से कहा था आपके दिखाओ कागज, बगल झांकने लगा। विषय बदल जाएगा वरना उन्नाव पर बहुत विचित्र स्थिति। नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग सरकार का अपना अधिकार है इसमें। मैंने ये कहा ही नहीं। अरे आप कहां का जवाब देने? नहीं नहीं, मोहम्मद शाही ये सरकार का अपना अधिकार है। अरे ट्रांसफर कब किसको कब करना है, कब कहां नहीं करना है, ये सरकार का अधिकार है भाई। शाही जी, किसी से पूछ के ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। शाही जी, मैंने आपके अधिकार पर उंगली नहीं उठाई, इतनी मेरी हैसियत नहीं। आप मालिक हो प्रदेश के, 40 लोगों के ट्रांसफर हम कह रहे हैं। हम क्या जवाब दे रहे हो उसको? 2 मिनट में हटाऊंगा। ये मेरा अपना अधिकार है, सरकार का अधिकार है। आप मालिक हैं। वो अगर उसकी एफिशिएंसी नहीं समझ में आई, किसी भी अधिकारी की उसको नहीं लेना। मोहम्मद शाही, मोहम्मद शाही साहब, मेरा निवेदन मालूम है? नहीं, मेरा निवेदन, मैंने ये कहा ही नहीं। आप काहे को जवाब देने लगे? मैंने सरकार के ट्रांसफर के अधिकार पर उंगली उठाई नहीं, ये विषय नहीं। मैंने निवेदन इतना किया, उसका जवाब हो तो दे दीजिए, मैं माफी मांग लूंगा आपसे सिर झुका के। और नहीं दे पाए तो फिर मान लीजिएगा कि झूठे और मक्कार अधिकारी हैं। जब एसपी बदलता है, पुलिस लाइन का एक चार्जशीट वो फर्द बनती है, ठीक, उस पर एसपी साइन करता है। अगर 20 साल 25 साल 30 साल जवाहरलाल के समय के भी कंकाल वहां रखे हैं आपके मुताबिक, कोई संख्या मान लो, मेरे शब्दों में मत जाइए, भाव समझिएगा, एसएसपी ने साइन किए होंगे, पर किसी ने नहीं पूछा जितने भी आए कि भाई ये कंकाल क्यों रखे हैं? एक, उस सिक्योर्ड जोन में कंकाल पहुंचे कैसे अगर दाएं बाएं से आ गए? सवाल नंबर 3, अगर जांचों के लिए रखे तो बोरे में ठूस के जांच होती है या फ्लास्क में रखा जाता है? कैंसर की जांच कराने जाता है आदमी तो आदमी पूरा भट्टी में डाल दिया जाता है क्या केमिकल में? इतना सा पार्ट लिया जाता है मांस का, डीएनए तो बाल से हो रहा है, बाल से डीएनए हो रहा है भाई, ये कंकाल किसने रखे? जवाब नहीं हो पाएगा इन बातों का, इसलिए इन बातों में मत पड़िए। चिराई गांव लोग चलिए, छोड़ दीजिए उन्नाव, 200 लाशों का भी जवाब नहीं था जो वहां गंगा में निकली थी, छोड़िए उन बातों को। एसपी आपका झूठ बोला, उसका चेहरा खराब हो गया, ये जान लीजिए, क्योंकि झूठ कितने देर टिकेगा? आज उसी के शहर में काउंटिंग हो रही है, वो वहां खड़ा है, और 3-4 बजे मैंने पूछा था तो 54 हो चुके थे काउंट। अब उसको बोलूं फोन लगा के कि आप झूठे हैं? बोलूं? और आप झूठे हैं फिर भी पद पर है, महान है, ये बोलूं? सार्वजनिक तौर पर झूठ बोलने वाले अधिकारी को तत्काल पद से हटाना चाहिए, लेकिन तब आप ये कह दोगे मालिक मैं हूं कि आप हैं अमिताभ जी, हमारी मर्जी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ठीक है, आप मालिक हैं, मत हटाइए। लेकिन चिराई गांव में ही हमारी मां बहने जो पड़ी है, इनके बारे में कोई तो जवाब देगा हमें? 4 बेड थे, ये 73 महिलाएं काटी क्यों गई, काटी क्यों गई? जवाब देना होगा ना। ये मणिकर्णिका घाट नहीं है, दशाश्वमेध नहीं है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र को आपने दशाश्वमेध घाट में तब्दील कर दिया क्या? क्या और मोक्ष पाओ? और डॉक्टरों को महापंडित बना दिया, बोले इनको दाह संस्कार करो इनका। मुझे मालूम है काशी मोक्ष देती है, आपने अस्पतालों में मोक्ष का इंतजाम कर दिया क्या? मेरी बात गलत साबित कर दीजिए, मैं माफी मांग लूंगा प्रणाम करके। मनीष शुक्ला जी, क्या अस्पतालों में मोक्ष की व्यवस्था हो गई काशी में? देखिए, निश्चित रूप से जो बनारस में घटा या आजमगढ़ या विभिन्न जगहों पे घटित हुआ, एक तो बहुत बड़ी प्रशासनिक चूक है और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। और सरकार का ये जवाब कि जांच होगी और कार्रवाई होगी, तो सभी चैनल ये दिखा रहे हैं कि वहां किस तरीके से ऑपरेशन के बाद जमीन पे लिटा दिया गया था। अमिताभ जी किसी और बताना चाहेंगे, एक किसी चैनल पे चल रहा था, वहां के सीएमओ वो बयान दे रहे थे कि पहले उनको अंदर लिटाया गया था, फिर जब धूप निकल आई तो अटेंडेंट सब महिलाओं को लेके बाहर आ गए, और
जबकि कार्रवाई जब होनी चाहिए तो सबसे पहले वहां के सीएमओ के ऊपर होनी चाहिए। जो मैंने पेपरों में पढ़ा उसमें है कि एक एडिशनल सीएमओ जांच के लिए भी गए थे वहां कैंप में, निरीक्षण करने गए थे, और 73 की संख्या देने के बाद वहां बहुत प्रसन्न होकर लौटे कि एक रिकॉर्ड इन्होंने बनाया कि 4 घंटे में, मतलब जो वहां का सीएमओ और उसके नीचे का जो तबका था जहां तक मुझे जानकारी है, वो इस रिकॉर्ड से प्रसन्न था कि स्वास्थ्य विभाग ने एक कीर्तिमान स्थापित किया कि 4 घंटे में 73 ऑपरेशन हो गए। और मैं पूछता हूं कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी उन महिलाओं के साथ, नसबंदी कोई इमरजेंसी नहीं होता जो अगर सामान्य बातें हैं धीरे धीरे करके भी कर सकते थे, लेकिन ये जो नेग्लिजेंसी है, मेडिकल नेग्लिजेंसी है, ये निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए। टारगेट होता है इन लोगों का नहीं, देखिए हाँ इनको चिराई गांव मनीष क्यों घटा, चिराई गांव इसलिए घटा शायद आप सुन लीजिए, क्योंकि आजमगढ़ की मैं पद नाम नहीं लूंगा, अब अग्रवाल जो लेडी वहां की मुखिया है अस्पताल की, नहीं अभी आप कहोगे ये नहीं वो है, आप उसी पर एक लंबी बहस छेड़ देंगे इसलिए छोड़िए। उस मुखिया ने मालूम मुझसे क्या कहा था, और किसी से नहीं, मुझसे मालूम क्या कहा कि फोन पर, क्या नियोत्री जी ये गांव के लोग हैं ये घर में कौन से बिस्तर पर सोते हैं, वो भी पद पर है आपके शासन में, धन्य हो आपका अधिकार ट्रांसफर करने का, जिस पर आपको बहुत दंभ और गर्व है कि अमिताभ जी आपसे पूछ के ट्रांसफर करेंगे क्या, मेरी मर्जी चाहे जिसको रखे, ऐसे लोगों को रखेंगे जो आदमी को जानवर समझते हैं। हम ही लोगों ने सरकार चुनी है मालिक, ये अपने घर से लाए थे सरकार, मोदी घर से लाए हैं सरकार, या आप घर से लाए हो सरकार, या हम लोगों ने चुन के आपको राजा बनाया है, इतना तो कम से कम लिहाज करिए जनता का। आप लोग ऐसा व्यवहार करते हो जिले इलाही जैसा, क्या हमारा अधिकार है अमिताभ जी 20 रखे एसपी या 40 रखे, आप मत बोलो, नहीं बोलेंगे, फिर 17 आएगा, फिर गांव गांव घर घर जाएंगे चिरौनी करेंगे, आप करेंगे ना, फिर कहेंगे माई बाप हो आप लोग, गलती माफ करो, और सरकार बनने के बाद आप कह दो मेरा अधिकार है, आप कौन होते बोलने वाले। जी हाँ, जमीन पर तड़पती रही इंसानियत, लेकिन इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सरकार पर है जो लगातार बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का वादा करती है, दावे करती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कहां गए वो दावे और वादे। चिराय गांव का ये मामला सामने आया, और इससे पहले भी कई मामले सामने आते रहे हैं जब कुछ ही मिनटों में ऑपरेशन कर दिए जाते हैं और भेड़ बकरियों की तादाद में महिलाओं को बुलाया जाता है, नसबंदी करके उनको जमीन पर लिटा दिया जाता है, और उसके बाद सरकार महज ये कहकर खानापूर्ति कर लेती है कि संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल सरकार से भी है कि क्या अपने 3.5 साल के कार्यकाल में सरकार सुविधाएं तो छोड़िए जरूरी कमियों को भी दूर नहीं कर पाई। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नकवी साहब, ये सवाल उठता है, भले ही अहमद हसन साहब या मोहम्मद शाहिद जी बोले कि हमने इस पर कार्रवाई की, हम उस पर जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये सवाल तो उठता है ना कि आपका 3.5 साल का कार्यकाल हो चुका है, आप सुविधाओं के दावे कर रहे हैं लेकिन जो कमियां हैं उनको तो आप सुधार भी नहीं पा रहे। गायत्री जी, हमने बराबर ये बात कही कि देखिए जहां पर सरकार जांच करके किसी निष्कर्ष पे पहुंचे और उसके बाद में फिर वो कार्रवाई करे जी, तो जब वो ये कहती है कि हम जांच करेंगे तो उस बात में दम लगता है, उसके ना समझ में आता है कि हाँ ठीक है ये जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे, लेकिन लगातार पिछले 3.5 साल के अंदर लगातार इस तरह की घटनाएं हुई और लगातार उसके ऊपर जांच आयोग बैठाए गए हैं और लगातार सबके सब बरी हो गए हैं और सबके सब अपनी अपनी जगहों के ऊपर बहाल है। यहां पर चिंता जो है वो मात्र इस बात की नहीं है कि जो हुआ है उसकी चिंता हो, बात इसकी है कि ये आगे फिर होगा। देखिए अगर दंडात्मक कार्रवाई कर दी जाए, इनके साथ जो है स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएं, सिर्फ ये ना कह दिया जाए कि इनके खिलाफ जो है वो हाई लेवल की जांच की जाएगी और जांच के अंदर जो आएगा उसके बाद फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी, तो सबको मालूम है जांच होगी का मतलब ये हो गया है कि थोड़ा बहुत जो है भागदौड़ करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत जो है वो एक यूपी में वर्ड यूज होता है कि थोड़ी बहुत चिरौनी काटनी पड़ेगी, उसके बाद सारा मामला ठीक हो जाएगा। तो जब इस चीज का आश्वासन यहां के हर बड़ी घटना के पीछे रहा है अब तक की, तो इसमें भी यही होना है। जांच का मतलब यह हो गया है कि जो वहां के ऊपर जो अफसर हैं उनको सिर्फ भाग दौड़ करनी पड़ेगी, इसके अलावा और इसका कोई मतलब नहीं है। हम बराबर ये बात कह रहे हैं, हम इस बात की अपने दोस्त हैं हमारे शाहिद साहब, उनसे भी कहते हैं कि साहब एक मर्तबा आप सरकार के पास जाइए और पूछिए कि इतनी घटनाओं में आपने कितनी जांच आयोग बैठाए, कितनी उसकी रिपोर्टें आई और उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई, कम से कम चैनल पे जाके आप ये बता तो सके देखिए यहां के पर मामला गड़बड़ था, इसमें हमने ये कार्य किया।
और तो और जिसको ये बहुत दम ठोक करके कहते हैं बदायूं की घटना को लेकर के कि सीबीआई ने कह दिया ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इनको वहां के अपने पुलिस प्रशासन से पूछना चाहिए था कि फिर तुमने ये बयान क्यों दिया। बिल्कुल, तुमको ये बयान देने के देखिए कोई सवाल नहीं पूछे जाते, और जब कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे हम आज से महीना डेढ़ महीने बाद फिर किसी और घटना को लेकर के ऐसे ही बैठे यहाँ के ऊपर बहस कर रहे होंगे और उसके बाद फिर होगा कि साहब जांच होगी। बिल्कुल मनीष शुक्ला जी, हर बार यही होता आया है, अब सवाल यह है कि सरकार ऐसे प्रशासन को इजाजत देती ही क्यों है जब आपके पास संसाधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है और आप इजाजत दे देते हैं। क्या जरूरत है इतने सामूहिक, इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं की नसबंदी करने की उस जगह पर जहां पर महज 4 ही बेड है। गायत्री जी, एक सर्जन की टीम 30 ऑपरेशन कर सकती है और वो भी वहां जहां संसाधन हो। बिल्कुल, ये स्वयं दर्शाता है कि वहां नियमों के विपरीत कार्य किया गया, लेकिन अभी भी वो डॉक्टर, वो अतिरिक्त सीएमओ जो जांच पे गया था और सीएमओ बनारस मौजूद है, ये सरकार की प्रतिबद्धता को बताती है कि कितनी प्रतिबद्ध है सरकार वहां कार्रवाई करने को। और हम लोग चूंकि लगातार डिबेट के माध्यम से लगातार 3 साल लोगों के साथ बैठे हैं, भाई किसी का मोबाइल ऑन है क्या? वहां किसी का मोबाइल ऑन है क्या? वो गए बाहर, गए जी, वो बाहर चले गए, वो आपके ही कोई करेस्पोंडेंट है जी। मनीष शुक्ला जी, जी तो लगातार हम लोग आपके चैनल पे भी विभिन्न जगहों पे ये कस्बे वादों को हम लोग देख रहे हैं, सरकार की कार्रवाई होगी और मीडिया ज्यादा दिखा देता है, विपक्ष की साजिश है। आज तो एक बड़े नेता बयान दे रहे थे, मैं एक सेकंड बता दूं समाजवादी पार्टी के, कि वो नरमुंड मिलने पे, कंकाल मिलने पे, कि भाई इसमें कोई साजिश है और ये साजिश कौन रच रहा है ये पता लगना चाहिए। आजम खान जी ने उस दिन कहा था कि साक्षी जी लाए थे, तो इसी तरह कोई साजिश है ये बयान दे रहे थे। तो ये जो बचने का तरीका और छोछा तरीका है, इससे सरकार को बरना चाहिए और फिर से ये घटना न घटे, इसके लिए इनके खिलाफ कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई अगर हो जाए, इनको अगर नौकरी से जाने की स्थिति हो जाए तो आगे से लोग स्वयं नियमों का पालन करने लगे। बिल्कुल, और अगर नहीं हुई है और नहीं होगी तो हम ये ही मानेंगे मोहम्मद शाहिद जी की इस सरकार में इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, इंसान की जिंदगी को कोई कीमत नहीं है समाजवादी पार्टी की सरकार में। नहीं नहीं ऐसा नहीं है गायत्री जी, फिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 22 करोड़ क्यों बार बार ये मामले सामने आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार की है, उनकी हिफाजत करना, उनके स्वास्थ्य की हिफाजत करना, उनके हर तरह की हिफाजत करना उत्तर प्रदेश सरकार का कर्तव्य है। और अभी आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य विभाग में जितना काम हुआ है इतना अभी तक कि हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में नहीं होगा। अगर आप पूरा सवाल का जवाब मुझे देने दे दें तो बहुत बेहतर होगा। जी जी, दूसरी बात, और मैं अमिताभ भाई को संबोधित करके एक बात कहूंगा, अमिताभ भाई स्वास्थ्य विभाग में बहुत काम करने की जरूरत है, इतने ये बात सही है। और मैंने आपको पहले भी कहा, निगलिजेंस किसी भी स्तर का हो वो बर्दाश्त के काबिल नहीं होना चाहिए, यह बात सच है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोई भी लोग हो, निगलिजेंस किसी भी तरह का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उसमें। और मैं आपको बताऊं, स्वास्थ्य विभाग में बहुत काम करने की जरूरत है और उसमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, और जो भी डॉक्टर इस तरह की साजिश में होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और मैंने अभी सबसे पहले जब मैं आया हूं आपकी चर्चा में शामिल होने, मैंने आपको बताया सरकार ने डायरेक्टर स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर लेवल के अधिकारी को नियुक्त करके भेज दिया है जांच करके, वो शायद एक या दो दिन के अंदर, मुझे दिन के नहीं, एक या दो दिन के अंदर जांच होगी, उसके बाद और सस्पेंशन दोनों कार्रवाई होंगी। ठीक है, आपकी बात आ गई, मैं ये कह रहा था भाई, अगर मैंने एक बार मुख्यमंत्री जी को भी सुना, ये शायद कोटेशन वहीं से शाहिद भाई ने उठाया है, उन्होंने कहा था एक उसमें अहमद हसन साहब भी थे कि स्वास्थ्य मंत्रालय में जितना काम हुआ उतना किसी मंत्रालय में नहीं हुआ, ये मुख्यमंत्री जी का कथन था। शाहिद भाई, बहुत दुख से कहूंगा, अगर ये बहुत काम है तो काम थोड़ा कम कर दो, ये बहुत काम हम उत्तर प्रदेश के लोग झेल नहीं पाएंगे। अगर 74 मां बहनों को ऑपरेशन के बाद फर्श पर लिटाल दें लोग, तो इतना बहुत काम हम झेल नहीं पाएंगे, थोड़ी व्यवस्था खराब कर दो। आपने ज्यादा सुधार नहीं लग रहा, इतनी मत सुधारो, थोड़ी गिरा दो। मैं निवेदन कर रहा हूं, करबद्ध प्रार्थना है। कबीर दास ने कहा, तू कहता है कागज लिखी, आप लोग पढ़ते हो कागज का लिखा, जो बाबू बना के देता है,
तू कहता है कागज लिखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। क्या अहमद हसैन की हुसैन की रिपोर्ट क्या कह रही, मेरे लिए इमेटेरियल है, मेरी आंख जो देख रही है मेरे लिए वही सत्य है। शाहिद भाई लंबी कहानी नहीं, गोविंद वल्लभ पंत का इशू नहीं उठाऊंगा। 90 दिन के भीतर स्वास्थ्य विभाग की 4 बड़ी दुर्घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं 90 दिन के भीतर। कैसे इसको पासिंग मार्क्स दे दूं? आप तो कह रहे हो इसको डिस्टिंक्शन दे दो, मैं कह रहा हूं तो फेल हो गया, पास ही नहीं हुआ मंत्रालय। 90 दिन में 4 बड़ी दुर्घटनाएं, आप मेरा कलम पकड़ रहे हो, कह रहे नहीं इन्हें 75 नंबर दे दो अमिताभ जी, आपको मेरी कसम दे दो। क्यों इन दुर्घटनाओं के लिए नंबर मिलना चाहिए? सरकार आपकी हो चाहे मोदी की हो, चाहे शिवराज सिंह की हो, चाहे ममता बनर्जी की हो, किसी की हो, क्यों मिलेगा, क्यों नंबर मिले भाई? एक दूसरी बात, यही सब आप बार बार इस पर जोर दे रहे हो, ज्वाइंट सेक्रेटरी क्या नाम, सेक्रेटरी क्या डायरेक्टर, डायरेक्टर को खुदा है हमारे टैक्स के पैसे से वो भी तनख्वाह पा रहा है, उसको और काम क्या जाने चाहिए? कोई विशेष बड़ी उपलब्धि है क्या कि देश में कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा काम हो गया क्या? ये तो मैं तब मानता जब मुख्यमंत्री जी चिराई पहुंच जाते तो ये तर्क होता, आप बार बार नाम लेके कहते कि अमिताभ जी बताइए कभी मुख्यमंत्री गया क्या? हमारे मुख्यमंत्री गए, ये बाबू तो इसीलिए होते हैं जांच करने के लिए, और इनका काम क्या वहां लखनऊ में क्या करेंगे, चाय बिस्किट खाएंगे क्या भाई? उनको इंजेक्शन तो लगाना नहीं, और उनको क्या काम, यही काम है ना, जाना चाहिए, उसमें कोई विशेष बात नहीं। लेकिन हम भरोसा कैसे कर लें? जब आजमगढ़ में ऐसा हुआ तो आपके उस अस्पताल के मुखिया जो थी लेडी, उसने कहा ये औरतें तो घर में कौन सा उसमें लेटती हैं, बेड पर, फर्श पर लिटाल दिया ऑपरेशन का, तो क्या हो गया, इसमें क्या गलत बात है? इतना संवेदनशील प्रशासन है आपका, इतना अभी संवेदनशीलता को ओढ़े के बिछाएं। उन्नाव का एसपी कहता है 4-5 है अमिताभ जी, आपको मेरी कसम मान लो, और 54-3 बजे तक काउंट हो गई थी। अब उस रिपोर्ट को गले में टांग दूं एसपी के, क्या करें बताइए? मैं आपका पक्ष लेना भी चाहूं तो कैसे लूं, मुझे रास्ता तो दिखाओ, मुझे आप बता दो क्या अमिताभ जी इसी मेरा पक्ष ले लो, मैं ले लूंगा। लेकिन मैं ऐसे दृश्यों को देखने के बाद बेईमानी नहीं कर सकता अपने जमीर से, ये जान लीजिए। कोई परिस्थिति बने, कोई हानि लाभ हो, कुछ नहीं, मथुरा के गुनहगार जेल में दिखा दीजिए मुझे, मैं आपको सैल्यूट करूंगा। आजमगढ़ में अधिकारी जेल में दिखा दीजिए, मैं आपको सैल्यूट करूंगा। मऊ में हुआ था, कहां हुआ था जी, आजमगढ़ के बाद और कहां हुआ था? कुशीनगर, कुशीनगर में हुआ था, उनके अपराधी जेल में दिखा दीजिए, मैं आपको प्रणाम कर लूंगा। जब कहीं कुछ झंडा नहीं गाड़ा तो यहां अहमद हसन की बात को मैं कैसे भरोसा कर लूं कि आपके एवरेस्ट पे जा रहे हैं, कैसे मान लूं उनके कहने से एवरेस्ट पे जाना मान लूं क्या भाई? नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग मान सकते हैं अहमद हसन की आयु का सम्मान करते हुए, मैं व्यक्ति का सम्मान कर सकता हूं, लेकिन एज ए मंत्री वो असफल हो गए। फिर जिसके राज में ऐसी व्यवस्था हो जाए उसको मैं सफल मंत्री कैसे कह दूं, मैं तो नहीं कह सकता। और एक आखिरी बात मनीष शुक्ला की पार्टी के लिए भी कहूंगा, ओबामा, पुतिन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चीन, जंपिंग टंपिंग सब अच्छा है, चाय कॉफी सब अच्छा है, सूट बूट सब अच्छा है, लेकिन जहां से सांसद हो वहां के दुख सुख में भी कभी सुध लिया करो। जिस धरती ने आपको वोट देके लोकसभा भेजा है उस धरती का भी अधिकार है आप पर। इतनी बड़ी बड़ी घटना घट जाए, मैं देखता रहा ट्विटर पर शायद कोई एक ट्वीट आए, आप प्रधानमंत्री हैं, हम आपकी संवैधानिक मजबूरी समझते हैं, संघ राज्य का रिश्ते समझते हैं हम, ऐसा नहीं कि सारी बुद्धिमत्ता राजनेताओं के ही पास है, समझते हैं मर्यादा, लेकिन उनके प्रति सहानुभूति तो जताई जा सकती थी। गाजीपुर का एक नौजवान शहीद हो गया,
पूरे देश ने उसको नमन किया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जाकर नमन किया, देश भर की आंख नम हुई राय के लिए। अगड़म बगड़म चगड़म मगड़म तमाम ट्वीट में देखता हूं नाना प्रकार के, राय के लिए ट्वीट नहीं, क्या दिक्कत क्या है? क्या मोबाइल में पैसा खत्म हो जाता है क्या? क्या बोलते हैं नेट पैक ना, वो खत्म हो जाता है क्या? नहीं, आपको तो 99 रुपए वाला नेट पैक दिलाने की जरूरत है नहीं, सब फ्री है। ये सवाल है, इनको देखिए, ये भी टालने लायक सवाल नहीं है। उस मां का भी कर्ज है जिसने अपना दूध पिलाया है आपको। काशी आपकी मां है प्रधानमंत्री जी, जिसके आशीर्वाद से आप लोकसभा पहुंचे। पूरे देश में लोग आपके नाम से जीते होंगे, भाजपा के वो आपके एहसानमंद रहे, लेकिन आप काशी के एहसानमंद रहिए। काशी का मसला है, आपको एक ट्वीट करना चाहिए था, राय की शहादत पर आपकी ओर से टिप्पणी आनी चाहिए थी। गृहमंत्री जी हैं लखनऊ से जीत कर गए, उत्तर प्रदेश में इतनी जघन्य जघन्य वारदातें हो रही हैं, हो जाती हैं, जमाना भर के लोग टिप्पणी करते हैं, लेकिन लखनऊ के सांसद टिप्पणी नहीं करते। आप सांसद नहीं है क्या? मतलब आप केवल क्लिंटन पुतिन पर ही टिप्पणी करेंगे क्या? ओबामा वगैरह पे ननकू के बारे में नहीं बात होगी, रशीद चचा के बारे में बात नहीं होगी, ननकू के बारे में बात नहीं होगी, जुम्मन के बारे में बात नहीं होगी, अब केवल ओबामा वगैरह मिशेल वगैरह में चर्चा होगी क्या? यह भी तरीका ठीक नहीं है। देखिए, टोकिए, मुख्यमंत्री से बात करिए, आप लखनऊ जाइए, मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाइए, एक समन्वय स्थापित करिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों को बेहतर जीवन मिलना चाहिए। यह प्राथमिक जिम्मेदारी मोहम्मद शाहिद की पार्टी की है और द्वितीयक जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है, जो हुकूमत हिंदुस्तान है और जिसने 73 सांसद उत्तर प्रदेश ने जिसको जिता के दिए। देखिए, टकराव छोड़िए, समन्वय करिए, कोई रास्ता निकालिए। इन ये नहीं डलवा पा रहे चार बेड से छठ पांचवा बेड, केंद्रीय सहायता से वहां व्यवस्था करिए, देखिए, लेकिन लोगों का मरना रोकिए, लोगों का मरना रोकिए। भाजपा सपा की लड़ाई में मेरा उत्तर प्रदेश पिस रहा है, उत्तर प्रदेश पिस रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष जी आपका, नकवी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद शाहिद जी आपका, अमिताभ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए समाचार प्लस।